देश जानना चाहेगा कि क्या गीता प्रेस को पुरस्कृत या गांधी शांति के नाम पर, गांधी के नाम पर किया जाना एक तरह के कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गीता प्रेस जो प्रकाशित पुस्तकें हैं या गीता प्रेस की जो भूमिका है वह भूमिका मनुष्य विरोधी भूमिका या दलित विरोधी भूमिका। तो उसने दलितों के पक्ष में न कुछ किया हो, ये बात हो सकती है, लेकिन उसने दलितों के विरुद्ध कोई मुहिम छेड़ी हो या किसी मुहिम में खुलकर सामने आया हो, ऐसा कोई इतिहास मेरी जानकारी में नहीं। गीता प्रेस की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जो उसके संस्थापक थे, जयदयाल गोवंदिकर के सहयोग से उन्होंने, वो गांधी जी के साथ स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें इस भूमिका में रखा और उनसे कहा कि तुमको धार्मिक साहित्य प्रकाशित करना। धार्मिक साहित्य प्रकाशित करना कोई इंसान विरोधी होना नहीं है, कोई दलित विरोधी होना नहीं है, कोई स्त्री विरोधी होना नहीं है। यह विवाद पुरस्कार मिलने के साथ ही शुरू, हिंदी समाज जो है वह जब भी पुरस्कार मिलता है तो बहुत खड़बड़ाता सब लोग एक साथ मिलकर हुआ हुआ करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर विचार नहीं व्यक्त। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना कोई इंसान विरोधी या दलित विरोधी संस्था को पुरस्कृत करना है। क्या गीता प्रेस ने अपने किताबों के जरिए भारत में हिंदू कट्टरपंथ का बढ़ावा नहीं दिया? क्या गीता प्रेस ने अपनी किताबों के जरिए समाज में अंधविश्वासी मूल्यों के जरिए लोगों को परंपरावादी और विवेकहीन बनाने का साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक चेतनशीलता से दूर नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको स्वाधीनता आंदोलन के तमाम आंदोलनकारियों को इसी धारा में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंट्राडिक्शन सब जगह हैं। आप गोखले को भी खारिज करेंगे, आप विवेकानंद को भी खारिज करेंगे, आप महात्मा गांधी को भी खारिज करेंगे। प्रश्न यह है कि रामचरितमानस का क्या कोई दूसरा संस्करण किसी के पास है? वाल्मीकि रामायण भी छापा है गीता प्रेस में, अध्यात्म रामायण भी छापा है गीता प्रेस में, ईशावास शोणिपश भी छापा है गीता प्रेस में, महाभारत भी छापा है गीता प्रेस में। इन किताबों से क्या अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है?